देखिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको एक कॉपी मिलेगी, तो इस कॉपी को कैसे फिल करना है तो इस वीडियो में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर हो सकता है आपका रिजल्ट रुक भी जाए, इसलिए ध्यान पूर्वक देखेंगे कि कॉपी को कैसे फिल किया जा रहा है, कैसे भरा जा रहा है। सावधानी पूर्वक भरिएगा। सबसे पहले जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक वाइटनर अपने पास ज़रूर रखिएगा कि बाय द वे अगर OMR सीट पर कहीं कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो उसका सुधार किया जा सके। वाइटनर लेकर जरूर जाएंगे। और OMR जो भरा जाएगा यह काले पेन से भरना है, काले पेन से, जेल नहीं चाहिए, डॉट पेन, स्याही वाली, जेल वाला नहीं चलेगा, ठीक है। काले पेन से भरना है। तो सबसे पहले देखें क्या क्या हमें यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कक्षा लिखनी है आपका, चाहे BA हो चाहे BCom हो, सपोज़ BCom है तो यहाँ पे BCom लिख देंगे। उसके बाद वर्ष और सेमेस्टर दिया हुआ है तो वर्ष सेमेस्टर तो पहला ही रहेगा, अगर किसी का ईयरली है तो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर वो लिख देंगे अपना। तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। उसके बाद विषय, तो विषय में आपको क्या लिखना है, जो पेपर का नाम यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे पेपर का नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो यह विषय यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स, यह लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा है पेपर कोड, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो यहाँ पर कोड दिया है, हर पेपर का कोड लिखा रहता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पेपर कोड 5005। इसके बाद जब इस हिस्से पे आप इतना भर लेंगे, भरने के बाद यह जो हिस्सा आपका है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी A to Z कुछ भी यहाँ पे लिखना है नहीं, ये सारा विश्वविद्यालय द्वारा भरा जाएगा या जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो भरेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको इतना ही फिल करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने इस हिस्से में, तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर पुस्तिका क्रमांक है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इस बॉक्स में ही लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सूरज, तो SURAJ सूरज कुमार, ऐसे लिख देंगे सूरज कुमार। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद पिता का नाम, पिता का नाम मान लीजिए महेंद्र है तो महेंद्र लिख दें, ऐसे महेंद्र गुप्ता या जो भी XYZ हो ऐसे नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यह जो स्टूडेंट है ये जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखना, सपोज राजीव गांधी PG कॉलेज है तो राजीव गांधी PG कॉलेज, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उस पर लिखा रहेगा रोल नंबर, सपोज रोल नंबर आपका है 23569012340809, सपोज ये रोल नंबर है। जब रोल नंबर आप यहाँ पे लिख लेंगे तो लिखने के बाद जो 2 है तो सर्कल में देखेंगे 2 जहाँ पे रहेगा इसको ऐसे काला कर देना है, ठीक। 3 है तो 3 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसे काला कर देना है। 5 है, 5 को काला कर देना है। 6 है, 6 को काला कर देना है। 7 है, 7 को काला कर देना है। 9 है, 9 को काला कर देना है। ऐसे काला करें, काला अच्छे ढंग से करना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी कर दें। उसका 0 है तो 0 आपका यहाँ पर है, 0 काला कर दीजिए। 1 है, 1 को। 2 है, 2 को। 3 है, 3 को। 4 है, 4 को। 0 है, 0 को। 8 है, 8 को। 9 है, 9 को। इस तरीके से पूरे अच्छे से काला करके हम फिल कर देंगे, बीच में जगह नहीं छूटना चाहिए। अगर बाय द वे यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है तो आप वाइटनर से लगा सकते हो और सुधार कर सकते हो, ठीक। इतना कर देने के बाद फिर यहाँ पे कक्षा लिखना है, अगर आपका BA है तो BA, BCom है तो BCom लिख देंगे। वर्ष या सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर लिख देंगे, जिनका सेकेंड ईयर होगा सेकेंड ईयर लिखेंगे, जिनका थर्ड ईयर होगा थर्ड ईयर लिखेंगे।
उसके बाद विषय यहाँ पे देखिए, विषय दिया किसी का हिंदी है, किसी का अर्थशास्त्र है, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख देंगे। सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है तो लिख देंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके हम ऐसे लिख देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पे स्टेटस पूछा है कि स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, तो जनरली यहाँ पे सभी लोग रेगुलर ही करें क्योंकि प्राइवेट का सिस्टम हो गया ख़त्म, रेगुलर में ऐसे आप काला कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सेंटर कोड दिया हुआ है, तो जिस कॉलेज में आपका परीक्षा हो रहा है उसका एक सेंटर कोड होगा और वह कोड आपके एडमिट कार्ड पर छपा होगा जहाँ पे उस कॉलेज का नाम दिया है। सपोज मेरा कॉलेज है राजीव गांधी पीजी कॉलेज, तो यहाँ का कॉलेज कोड है 307। आपका जहाँ पे सेंटर गया है वहाँ का कॉलेज कोड लिख लीजिएगा। जिन लड़कियों का राजीव गांधी पीजी कॉलेज नौताना में है तो उनका सेंटर कोड हो जाएगा 307। और जो लड़के लोहिया में गए हैं पेपर देने के लिए या कहीं अन्य जगह गए हैं तो उस कॉलेज का कोड उनके एडमिट कार्ड पे छपा होगा। अगर खोजने में दिक्कत होगा तो जो कमरे में टीचर होंगे आप उनसे पूछ कर यहाँ पे उस सेंटर कोड को लिख दीजिएगा। उसका लिखना पेपर कोड, तो जैसे मैंने आपको बताया पेपर कोड यहाँ पे दिया हुआ, इस पेपर कोड को आप यहाँ पे लिख दोगे। उसका डेट, तो जिस तारीख को आपका पेपर हो रहा है वह तारीख यहाँ पर लिखना है। सपोज 29th को मेरा पेपर है, 29/03 तीसरा महीना ईयर मतलब 2022, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद पूछ रहा है प्रश्न पत्र का शीर्षक, तो यहाँ पे शीर्षक देखिए दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को सेम आप यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, मतलब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम कौन दे रहा है, सूरज, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू सूरज अपना सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा कक्ष परिप्रेक्षक के हस्ताक्षर, जो टीचर आपके कमरे में है जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका कॉपी फुलफिल हो गया, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद पेज को ऐसे टर्न करिएगा, टर्न करने के बाद जैसे ही पहला पेज है यहाँ से आप लिखना शुरू करिएगा आंसर। हाँ, इसके अलावा आपको अलग से एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी, आपके अपने सारे आंसर को इसी कॉपी में लिखने हैं। टोटल 32 पेज है, इस 32 पेज में ही आपको अपने आंसर को पूरा करना है, अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि इतने में पूरा हो जाता है, लगभग 100 में तो 100 का ही पूरा हो जाता है क्योंकि 32 पेज है, कम है नहीं। तो इस तरीके से OMR शीट को भरते हैं और एग्ज़ाम में कैसे, जैसे मान लीजिए पेज है यहाँ पे, तो पेज की कोशिश करिएगा कि यहाँ से लिखना, आप यहाँ पे हेडिंग वगैरह डाल बोल दें, क्वेश्चन नंबर आंसर डाल दें और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा ऐसे करके, मतलब एक अंदाज लगा लीजिए कि हाँ इतना मुझे जगह छोड़ना है, फिर आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। बढ़िया से सजा के सुंदर से लिखिएगा क्योंकि जो ज़्यादा सुंदर